में में गरीब की अमीर आ गए आप? आज आपको आने में बड़ी देरी हो गई। मैं अपनी तीनों गुड़िया रानी के लिए उनकी मनपसंद गुड़िया लाने के लिए गया हुआ था इसलिए आने में देरी हो गई लेकिन मेरी गुड़िया रानी है कहाँ हम यहाँ है पापा हमारी गुड़िया किधर है ये रही आप सबकी गुड़िया पापा ये गुड़िया तो काफी ज्यादा सुंदर है हाँ बिल्कुल मेरी तीनों बेटियों की तरह हम कितने नसीब वाले हैं भगवान ने हमें तीन तीन बेटियां दी हैं एक दिन देखना हमारी तीनों बेटियां पढ़ कर बड़ा आदमी बनेगी और हमारा हमसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगी संजय संजय दुर्गा अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत खुश थे दत्त का अपने तीनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे लेकिन एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए संजय को मशीन से बिजली का झटका लगता है जिसमें संजय की जान तो बच जाती है लेकिन संजय एक पैर से अपाहिज हो जाता है हे भगवान ये क्या हो गया आपको भगवान के लिए ऐसे मत रो मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता तुम हिम्मत मत हारो मैं अपाहिज हुआ तो क्या हुआ लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और तुम सबका ध्यान रखूंगा ये आप क्या कह रहे हैं मेरे होते हुए आप ऐसे हालत में काम करेंगे मैं आपकी पत्नी हूँ आपकी अर्धांगिनी हूँ इस घर की जिम्मेदारी और हमारी तीनों बेटों की जिम्मेदारी मुझ पर है दुर्गा अपनी पति को सहारा देने के लिए घर के और अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई के लिए ढाबे पर झूठे बर्तन धोना और दूसरे घर घर पर झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है और फैक्ट्री में काम करती है और कभी घर में लोगों के कपड़े सिलती दिन रात काम करते करते दुर्गा की हालत खराब होने लगी थी लेकिन अपनी तीनों बेटियों के लिए दुर्गा कभी हार नहीं मानती थी सच कहा है किसी ने कि एक माँ अपने बच्चों के लिए खुद को भी मिटा सकती है समय बीतने के साथ दुर्गा और संजय बूढ़े होने लगते हैं वहीं अब तीनों बेटियां जवान हो जाती हैं बेटा मुझे तो तुम तीनों की काफी फिक्र हो रही है माँ आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो आपकी तीनों बेटियां बहुत समझदार हैं और वह अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हैं सिर्फ कुछ समय की बात है जब हम लोग शहर में सेटल हो जाएंगे तो आपको और बाबा को भी वहीं बुला लेंगे फिर हम सब बड़े से घर में खुशी खुशी रहेंगे आरोही रानी पंक्ति की कॉलेज में काफी अच्छी परसेंटेज आई थी जिसके चलते उन तीनों को ही शहर में नौकरी मिल जाती है तीनों अपने माता-पिता से आशीर्वाद हैं और शहर चली जाती है वही अब बेचारी दुर्गा और संजय घर में अकेले रह जाते हैं और अपनी तीनों बेटियों की आस में दिन गुजारने लगते है बेटा तुम तीनों गाँव कब आओगी तुम लोगों को गए हुए पांच महीने हो चुके हैं इन पाँच महीनों में एक भी पल ऐसा नहीं होगा जिस पल मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें याद ना किया हो ओ फो आपको पता है ना इस टाइम हम ऑफिस में होते हैं लेकिन आप फिर भी इसी टाइम कॉल करती हो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है आप मुझे बाद में कॉल करना ओके okay, बाय क्या हुआ पंक्ति काफी गुस्से में दिख रही हो और नहीं तो क्या यार जब देखो माँ कॉल कर देती है जैसे हम शहर इन्हीं के लिए आए हो अरे हमारी भी तो जिंदगी है घंटे के के जॉब बाद हमें भी तो रिलैक्स चाहिए होता है। सही कहा तुमने। माँ को भी चैन नहीं है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर अपना फर्ज नहीं बल्कि हम पर एहसान किया है माँ बाप चाहे अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर कुर्बान कर दें, लेकिन बच्चे कभी भी अपने माँ बाप की कुर्बानी को नहीं समझ सकते तीनों बहनें शहर में आराम से रहती हैं। ठंड का मौसम था चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी लेकिन इन दोनों विचारों के पास ना तो ओढ़ने के लिए एक रजाई थी और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े दुर्गा तुम्हारी दो दिनों से तबीयत खराब है जाकर अपनी दवाई ले आओ मैं तो इतना भी काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी दवाई लेकर आऊ नहीं ऐसा मत कहिए घर में कुछ पैसे रखे हैं। वह मैंने आपकी दवाई के लिए रखे हैं। उससे मैं अपनी दवाई ले आऊंगी तो आपकी दवाई का क्या होगा ऊपर से ऐसी ठंड में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता लेकिन काम पर तो जाना होगा वरना हम लोग खाएंगे क्या काश हमारी बेटियां हमारे पास होती सुनिए जी हमारी तीनों बेटियों का अब तो कॉल भी नहीं आता है कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं शहर जाकर अपनी बेटियों से मिला हूँ दुर्गा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नया शहर है ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है लेकिन आप ऐसी हालत में मेरे साथ कैसे चलेंगे तुम और मेरी बैसाखी है तो मुझे क्या फिक्र दुर्गा और संजय शहर के लिए रवाना हो जाते हैं ठंड के मौसम की वजह से संजय और दुर्गा का शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा होता है लेकिन दोनों माता पिता अपनी ठंड को भूल कर जैसे तैसे कर अपनी बेटियों के घर का पता ढूंढ लेते हैं लगता है हमारी तीनों बेटिया यही रहती है लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमारी तीनों बेटियां रहती हैं, पंक्ति रानी और आरोही कहाँ हैं वो तीनों अच्छा तो आप उनके माँ बाप हैं? देखिये उनकी कंपनी यहीं पास में है अगर आप चाहे तो मैं आप तीनों को वहां छोड़ देता हूं दुर्गा संजय अपनी बेटियों के पड़ोसी आशीष के साथ कंपनी में पहुंच जाते हैं वो दोनों जैसे ही कंपनी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी तीनों बेटियां हाथ में ड्रिंक लिए शॉर्ट ड्रेस पहने डांस कर रही हैं। उनकी कंपनी में काफी बड़ी पार्टी चल रही थी पंक्ति रानी आरोही मेरी बच्चियों कैसी हो तुम तीनों तुम तीनों तो शहर आकर अपने माता पिता को भूल गयी तुम तीनों को पता भी है हम तीनों कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं पंक्ति ये दोनों कौन है क्या ये दोनों तुम्हारी माँ बाप है ये हमारे माँ बाप नहीं है लगता है इन्हें कोई गलत फहमी हो गई है बेटी आप क्या कह रही हो क्या तुम अपने माता पिता को भूल गई? आप दोनों हो कौन और हमसे ये जबरदस्ती का रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो वॉचमैन वॉचमैन इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो ना जाने दोनों कौन हैं? अपने गरीब माँ बाप की वजह से तीनों बेटियाँ सबके सामने अपने माँ बाप को पहचानने से मना कर देती हैं और उन्हें कंपनी से बाहर निकाल देती है ना जाने हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमारी बेटियों ने आज हमारे साथ इतना बुरा किया हमने तो अपनी बुरी जिंदगी इन पर कुर्बान कर दी थी दुर्गा हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी बल्कि ये सब तो हमारी बेटियों को शहरी हवा लगने की वजह से हुआ है पैसा उनके दिमाग पर चढ़ गया है चलो यहाँ से अब मुझे इस शहर में एक पल भी नहीं रहना है। जाने के लिए तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है सोचा शहर आने के बाद हम अपनी बेटियों के साथ ही रहेंगे लेकिन इन्होंने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा जेब में एक पैसा न होने की वजह से बिचारी दुर्गा और अपाहिज संजय को सड़क किनारे भिखारी के बीच बैठकर भीख मांगनी पड़ती है वहीं दूसरी तरफ तीनों बेटियां आराम से अपनी पार्टी एंजॉय करती हैं और नशे की हालत में अपने घर लौट रही होती हैं कि तभी अचानक गाड़ी खराब हो जाने की वजह से तीनों पैदल पैदल, पैदल घर लौट रही होती हैं तीनों को शॉर्ट ड्रेस और नशे की हालत में देख कुछ गुंडे उनके पास आते हैं और उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं डार्लिंग कहाँ जा रही हो कहो तो हम तुम्हें छोड़ दे बदतमीज शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या माँ भी है बहन भी है लेकिन तुम नहीं हो बताओ चलोगे हमारे साथ वो दोनों गुंडे तीनों बहनों को छेड़ने लगते हैं कि तभी सड़क के किनारे बैठे संजय और दुर्गा ये सब देख लेते हैं और अपनी बेटियों के पास आकर उन गुंडों को मारने लगते हैं दुर्गा पत्थर फेंककर उन दोनों गुंडों को मारती है वहीं संजय भी अपनी बैसाखी से उन्हें मारने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं मेरी बच्ची हो तुम ठीक हो ना तभी अचानक दुर्गा को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है तीनों बेटियां अपनी मां को अस्पताल लेकर जाती हैं। इनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है लगता है इन्होंने ऐसी हालत में भी काफी काम किया है जिसके चलते आज इनकी ऐसी हालत है डॉक्टर साहब मेरी पत्नी ने हमारी तीनों बेटियों के लिए दिन रात मेहनत की अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपनी सारी जवानी अपनी तीनों बेटियों पर कुर्बान कर दी लेकिन आज हमारी ही बेटियों ने हमें अपनी इज्जत के लिए पराया कर दिया पिताजी ऐसा मत कहिए माँ हमें माफ कर दीजिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शहर की हवा की वजह से हमने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया पैसों और इस शहरी दिखावे की वजह से हम आप दोनों को तो भूल ही गए थे हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है अगर आज आप और पापा नहीं होते तो ना जाने वो लड़के हमारे साथ क्या करते हमें माफ कर दो माँ बच्चों मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अपनी माँ की बात सुन तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिसके बाद वो तीनों बेटियां सुधर जाती हैं और अपने माँ बाप के साथ तीनों बेटियां गांव चली जाती हैं और उनकी दिन रात सेवा करती हैं। सच कहते हैं लोग अगर कहीं धरती पर जन्नत है तो वो माँ और पिता के चरणों में ही है जिसने माँ बाप का दिल दुखाया है उसे कभी भी खुशी नहीं मिल सकती